उज्जैन के सेंट मैरी स्कूल में अभिभावकों ने स्कूल का घेराव किया। घेराव के बाद कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया। उज्जैन में गुरुवार को अभिभावकों ने सेंट मैरी स्कूल का घेराव किया, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पर जनप्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासन ने स्कूल फीस भरने के लिए छूट देने का आदेश जारी किया था, लेकिन प्राइवेट स्कूल द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की फीस भी हमसे वसूली जा रही है। जब स्कूल शुरू ही नहीं हुआ है तो फिर फीस कैसी? कोरोना के चलते वैसे ही काम धंधे नहीं है तो फिर स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? हमारी आर्थिक हालत तो पहले से ही खराब है तो फीस कैसे चुकाएंगे? मेहरबान सिंह की रिपोर्ट। जी, हम लोग कलेक्टर महोदय के सामने हमारे स्कूल सेंट मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आए थे। हमारा हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में हम सभी पेरेंट्स फीस भरने में असमर्थ हैं। हमारे कई पालक जो कि अपनी सैलरी से और अपने बिजनेस से अफेक्टेड हैं, वो कैसे ये सब फीस भरेंगे? स्कूलों ने कहा है कि वो जो फीस हम अगर सरकार घोषित करेगी कि हम शुल्क शून्य वर्ष घोषित करेगी तो ही हम आपकी स्कूल की फीस माफ़ कर पाएंगे, अन्यथा हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे और हमें हमारे पालकों हमारे टीचरों को भी पेमेंट करना है। तो हमारा उनसे निवेदन था कि ये जो स्कूल है ये इतने वर्षों से हम इसकी फीस देते आए हैं और स्कूल जो फीस निश्चित करता था, सरकार जो फीस निश्चित करती थी, हम वो सब भरते थे। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये लोग ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं उसकी पूरी फीस हमसे वसूल रहे हैं। जब स्कूल ओपन नहीं हुआ है तो किस बात की फीस ले रहे हैं? उसके बाद जब ये लोग जो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन में भी ये है कि वीडियो बना के डालते हैं और यूट्यूब से हमें लिंक लेना है, तो YouTube से ही अगर हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना है तो हम आपके स्कूल से हमारा नाम भी क्यों जुड़ा हुआ है फिर? और फिर YouTube से हम हमारे हमें जो पसंद है हम वो कंटेंट उनको पढ़ाएंगे ना। ये लोग जो पढ़ा रहे हैं वो ना बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है ना पेरेंट्स को कुछ समझ में आ रहा है, उसके बावजूद भी इनका ये कहना है कि हमें फीस पूरी चाहिए क्योंकि हम हमारे टीचर्स को क्या पे करें, जबकि इनके टीचर्स की फीस आधी कर चुके हैं। इनका कहना है इनका स्कूल 50 साल से, तो 50 साल से तो ये इस महामारी के दौरान क्या अपने स्कूल के पेरेंट्स को एक साल इतना भी कंसिडर नहीं कर सकते, इतना सहयोग नहीं दे सकते क्या? अगर नो हम फीस जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, दूसरा हम फीस नहीं जमा करेंगे। स्टडीज में भी इनका कोई सपोर्ट नहीं है। हम मैसेजेस डालते हैं, मैडम किड्स आर नॉट अंडरस्टैंड टू दे टोल्ड कि फिर आपने इंग्लिश मीडियम में भर्ती क्यों करा। वो बोलते हैं कि उनको इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन करते, आज सेकंड या फर्स्ट क्लास का बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन कैसे समझेगा? आप सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके और हो जाते हैं। बिजी हम होते जब सब हमें ही करना है तो हम फीस किस चीज की दें? आप ट्यूशन फीस के अलावा सभी तरह की फीसेस ले रहे हैं हमसे, ये दिस इज नॉट फेयर। फीस तुम्हें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और हमारा एक ही मोटो है सबका, नो स्कूल नो फीस। इस दौरान एक चीज और कहना चाहूंगा, जो महिला है मिसेस नेहा शर्मा,